वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे सोयाबीन खिचड़ी। ये एक कंप्लीट मील है, इसे आप लंच या डिनर में बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में कच्चा चावल लेंगे आधा कप। मैंने यहाँ पे जो खीर वाला चावल है उसे लिया है, आप किसी भी कच्चे चावल से इसे बना सकते हैं। मसूर दाल लिया है मैंने आधा कप, इसकी क्वांटिटी आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चना दाल 1/4 कप। अब इसमें हम डालेंगे पानी, कम से कम 4 से 5 बार इसे अच्छी तरह से धोएंगे। चावल और दाल जब अच्छी तरह से धुल जाए तो पानी को पूरी तरीके से ड्रेन कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं रखना है, बस अच्छी तरह से धो लेना है। 2 मीडियम साइज़ आलू छिलका निकाल के बीच में से काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ रफली चॉप किया हुआ प्याज, 2 मीडियम साइज़ टमाटर, एक को मैंने रफली कटा है और एक को बारीक चॉप कर लिया है। अब पैन पे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें कटे हुए आलू डालेंगे और आलू को 1-2 मिनट के बाद बाद पलटते हुए इसे हमें 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पे फ्राई कर लेना है। आलू में जब हल्का सा इस तरह से कलर आ जाए तब हम आलू को तेल से निकाल लेंगे। अब बचे हुए तेल में डालेंगे 2 छोटी इलायची, इसी के साथ ही दालचीनी 1-2 इंच, 1 तेज पत्ता, मैंने इसे 2 टुकड़ों में कर दिया है, जीरा 1/2 टेबल स्पून, जीरा थोड़ा सा फूटने लगे तब इसमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और कटे हुए प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ प्याज लिया है मैंने। अब प्याज को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। प्याज जब हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब अदरक लहसुन को प्याज के साथ मिलाते हुए 1-2 मिनट तक भूनेंगे। अदरक लहसुन जब अच्छे से भुन जाए तब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ टमाटर और इसी के साथ ही चिली पाउडर टेस्ट के हिसाब से और सोयाबीन डालेंगे आधा कप। यहाँ पे मैंने 45 से 50 पीस छोटे साइज़ का सोयाबीन यूज़ किया है और इसे कम से कम आधा घंटा गर्म पानी में भिगा के रखा। आप अगर बड़े सोयाबीन यूज़ करेंगे तो उसे भिगाने के बाद छोटे टुकड़े में कर दीजिएगा। अब सोयाबीन को 4 से 5 मिनट तक मीडियम हीट पे भूनेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें चिकन मसाला डालेंगे 1 टेबल स्पून, रोस्टेड धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हरा मिर्चा डालेंगे 2-3, ये टोटली ऑप्शनल है। अब सारी चीज़ों को मिलाते हुए मसाले के साथ सोयाबीन को और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसाले के साथ सोयाबीन अच्छे से भून चुका है, अब इसमें धुली हुई दाल और चावल को डाल देंगे और इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने रफली चॉप करके रखा था 1 मीडियम साइज़। अब सारी चीज़ों को मिलाते हुए दाल चावल को हम 2 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ आलू और इसी के साथ ही हम इसमें पानी डालेंगे 2 से 3 कप। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस बॉईल होने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे और पानी में उबाल आने देंगे। जब एक उबाल आ जाए तो उसे मिलाने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे 15 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पे। 15 मिनट तक प्रेशर कुक करने के बाद जब कुकर का प्रेशर ख़त्म हो जाए लीड को हम खोलेंगे और खिचड़ी को चेक कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक चुका है, अब करछी से हल्के हाथों से इसे मिलाएंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। गैस को दोबारा ऑन करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मैं यहाँ पे करीब 1 से 1.5 कप पानी डालूँगी। खिचड़ी का जो थिकनेस है वो हल्का सा पतला होगा, बहुत ज़्यादा पतला आप इसे ना बनाएं। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, घी डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, घी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं और इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब गरम मसाला और घी को हल्के हाथों से खिचड़ी के साथ मिलाएंगे और इसे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट के बाद हमारा खिचड़ी बनके तैयार हो चुका है।
अब खिचड़ी को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे पापड़ और अचार के साथ। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।